Students, good morning everyone. Today we are discussing an important result, very important result, De Morgan's Law. De Morgan's Law, chapter 1st, set theory, class 11. De Morgan's Law. De Morgan's Law क्या है? इसके बारे में हम पढ़ेंगे. De Morgan's Law के रिजल्ट्स क्या हैं? तो फर्स्ट जो रिजल्ट है वो है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. डैश लिखा हुआ है, डैश का मीनिंग कॉम्प्लीमेंट बताया था आपको. ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. सेकेंड रिजल्ट आपको याद करना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. आपकी बुक में एक्सरसाइज में इसका एक पर एक डायग्राम भी पूछा हुआ था, ड्रॉ ए वेन डायग्राम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर. तो आप वेन डायग्राम भी बना सकते हैं जैसे मैंने आपको वेन डायग्राम भी बताया था. अब बात क्या करनी है, मुझे प्रूव करके दिखाना है. कोई सेट लेके मैं इसको प्रूव नहीं करूंगा, कोई सेट लेके नहीं प्रूव करना है इसको, इसको प्रूव करके दिखाना है विद एन एल्जेब्रिक फॉर्म. ठीक है, क्या क्या कहना चाहता है इस क्वेश्चन में, वो क्या कहना चाहता है कि द कॉम्प्लीमेंट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स. स्वयं ध्यान दें, मुझको प्रूव क्या करना है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन, ये यूनियन है इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स इज इक्वल है, इक्वल आना चाहिए इसके इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट. ओके, तो इसके लिए एक दो चीजें हैं, रिजल्ट्स वो समझ लेंगे पहले. यहां पर मैंने कोई ए सेट है, मैं उसको बी के इक्वल लिखना चाहता हूं, मुझे यानी यहां एक लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल करनी है सेट के इक्वल, ये सेट है. जब ए सेट को बी सेट के इक्वल करना है तो क्या करना होता है, देखिए, लेट एक्स कोई एलिमेंट है विच इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए, एक्स जो सेट है वो ए को बिलोंग करता है. मैं क्या कर रहा हूं कि इसको लेकर के मैं एक्स को बी के अंदर बिलोंग कर देता हूं, प्रूव कि जो एक्स एलिमेंट है वो ए के अंदर तो बिलोंग कर रहा है वो मैं मान के चल रहा हूं, लेकिन एक्स जो वो बी के अंदर भी बिलोंग कर रहा है वो मैंने प्रूव कर दिया. इट मींस एक सिंगल एलिमेंट एक्स एलिमेंट वो सेट ए के अंदर भी है, वो सेट बी के अंदर भी है. इट मींस क्या हुआ कि जो एक्स है, जो ए है वो सबसेट होगा किसका, बी का. सबसेट की डेफिनेशन बताता है आपको, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कंटेनिंग सेट ऑफ बी, इट मींस ए इज द सबसेट ऑफ. तो एक एलिमेंट बी ए को बिलोंग कर रहा था, बी को बिलोंग कर रहा है, तो इट मींस ए इज द सबसेट ऑफ बी. नाउ कोई वाई एलिमेंट ले लेता हूं जो बी को बिलोंग कर रहा है, इसको मैं प्रूव कर देता हूं वाई बिलोंग्स ए को भी. मैं मान के चला हूं कि वाई जो एलिमेंट है वो बी को बिलोंग कर रहा है. अब मैंने ये प्रूव कर दिया कि जो वाई एलिमेंट है वो ए को भी बिलोंग कर रहा है, एक एलिमेंट हो गया ना, तो इट मींस बी इज द सबसेट ऑफ ए, इट इज द सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. आप देखेंगे फर्स्ट सेट में क्या था, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, ए बी का सबसेट है, सेकंड में क्या पड़ा, बी ए का सबसेट है. इट मींस ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए कंटेन्स टू सेट ऑफ बी, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी कंटेन्स टू सेट ऑफ ए, तो इट मींस ए इज इक्वल टू
बी, क्या बोलेंगे बेटा, ए इज इक्वल टू बी, ऐसे मेरे दो सेट इक्वल होंगे। तो मुझे यहां पर भी यही प्रूव करके दिखाना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए भी मैं एक ऐसा एलिमेंट लेकर चलूंगा, यानी ये पहले इसको सबसेट बनाऊंगा इसका, ए यूनियन बी, मुझे फर्स्ट में सॉल्यूशन देखिए भी आंसर प्रूफ देखिए इसका, प्रूफ ही लिखेंगे इसको, यहां प्रूफ ही लिखता हूं। मुझे फर्स्ट में क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, क्या कि जो ए यूनियन बी है इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट हो, इसका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है बी कॉम्प्लीमेंट। यदि ये सबसेट पहले फर्स्ट पार्ट में है, इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा, फिर ये दिखाना पड़ेगा, फिर मैं ए इक्वल टू बी लिखूंगा, राइट। चलिए वो रिजल्ट है वो अभी अकॉर्डिंग टू लिखवा रहा हूं, क्या देखिए सॉल्यूशन इसका, मैं लेफ्ट साइड को ले चल रहा हूं, लेट x belongs to a union b complement, x element है जो a union b के complement को lies कर रहा है, यानी belong कर रहा है, okay? तो ये इसको belong कर रहा है, तो मैं क्या लिख रहा हूं कि ये इसको belong नहीं कर रहा, आपको समझ आई बात नहीं आई, देखिए भाई दोबारा ध्यान से पढ़िए, इधर ये कोई यूनिवर्सल सेट है, बहुत ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 10 तक की काउंटिंग है, ए सेट लिख दिया 1, 2, 3, 4, ठीक है कोई दिक्कत है नहीं है, बी सेट लिख दिया 4, 5, 6, ए यूनियन बी कितना होगा, ए यूनियन बी 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा ही होगा, मुझे निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट किसे देखा जाता है, यूनिवर्सल सेट से, तो यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट होते हैं, 7, 8, 9 और 10। अब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, एक एक्स एलिमेंट है जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को लाइज कर रहा है, यहां पर मैंने कोई भी एलिमेंट ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, 8 ले लिया, 8 क्या लिखूंगा, 8 बिलोंग्स कर रहा है किसको, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है, क्या 8 मामले में 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, क्या ए यूनियन बी में 8 है, अरे चेक कर लो भाई, सभी एक एलिमेंट क्या ए यूनियन बी में है, नहीं है ना, अरे नहीं है ना भाई, यही तो मुझे प्रूव, यही तो मैंने लिखी आप लाइन, कोई एक्स है जो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है लेकिन उसको बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है समझ में आ गई अच्छी तरह से। चलिए अब इसको बिलोंग नहीं करेगा, तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, अब इस बात को समझेंगे भाई, बहुत ध्यान से देखनी है ये बात, x belongs to a union b लिखा होता है, x belongs to a union b यदि दिखा मिल जाए तो इसका मीनिंग तो हो गया भाई x belongs to a, बोली तो ध्यान दे भाई सभी, x belongs to a union b का मीनिंग x belongs to a और x belongs to b, जब यूनियन होगा तो और वर्ड लिखना है, जब यूनियन होगा ना और वर्ड ओ आर ओ, ओके okay, और जब इंटरसेक्शन होगा तो एंड लिखना है, क्या लिखना है एंड, गॉट इट, तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। दूसरा रिजल्ट अब मैं लिख रहा हूं, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, x ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करता, तो क्या लिखूंगा मैं, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x does not belongs to b, बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से, अब कहोगे सर यूनियन तो आपने और में चेंज किया था, यहां यूनियन को एंड में चेंज कर दिया भाई, क्यों चेंज किया, यहां बता रहा हूं ये बात, क्योंकि यहां पर does not belongs का साइन है, जब does not belongs का साइन हो तो यूनियन को एंड में कन्वर्ट कर देंगे, किस में कन्वर्ट कर देंगे, एंड में, और belongs के सिंबल में तो और में रहेगा। सिमिलरली
यहां पर x belongs to A intersection B होता, x belongs to A intersection B होता, तो मैं लिखता है इसको क्या, x belongs to A and x belongs to B and x does not belongs to A intersection B होता, तो मैं इसको लिखता स्टूडेंट्स x does not belongs to A और x does not belongs to B। ये बहुत जरूरी रिजल्ट्स हैं, दीज रिजल्ट्स आर नेसेसरी, क्लियर है, वो बहुत ध्यान से देखने जरूरी है। ये समझ में नहीं आए तो मुश्किल हो जाएगा काम, दोबारा फिर समझा रहा हूं एक चीज को। मैंने सबसे पहले क्या लिखा, कोई x एलिमेंट है जो A यूनियन B को बिलोंग कर रहा है, x एलिमेंट है जो A यूनियन B को बिलोंग कर रहा है, तो A यूनियन B को बिलोंग कर रहा है तो x A को भी बिलोंग करेगा और U का मतलब यूनियन का मतलब और, तो x B को भी बिलोंग करेगा। ओके, अब x does not belongs में does not belong का सिंबल आ गया, तो x does not belongs to A एंड वर्ड आएगा x does not belongs to B, got it or not it, क्लियर है भाई। इसी प्रकार से x belongs to A intersection B, तो x belongs to A and x belongs to B, क्लियर स्टूडेंट्स, x does not belongs to में और वर्ड आ जाएगा। दूसरी बात, मैं यहां पर कोई वर्ड ले रहा हूं x, x A को तो बिलोंग कर रहा, तो मैं x क्या लिखूंगा, x does not belongs to A complement, कोई x एलिमेंट है जो A सेट को बिलोंग कर रहा, तो वो किसको बिलोंग नहीं करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगा। ये द्वितीय बेसिक नॉलेज, इसको नोट कर लेना अपने नोटबुक में, पहले इसको समझने से पहले ये सारे रिजल्ट आपको तैयार होने चाहिए। चलिए मैंने ये सारा लिख दिया आपके बोर्ड पर, एक बार पॉज द वीडियो नोट डाउन यहां तक, y belongs to B complement,
कोई दिक्कत यहां तक, एक्स ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, y जो है ए बिलोंग, y बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट को, तो मैं क्या लिखूंगा, y डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू बी। भैया ये लिखा है हमने x ए को ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, तो x किसको बिलोंग नहीं करेगा, ए को, y किसको बिलोंग नहीं कर, किसको बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट को, मैंने यहां क्या लिख दिया, y डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक। चलिए इसके बाद डज नॉट बिलोंग्स का सिंपल आ गया, यहां पर y a को बिलोंग नहीं कर रहा और y b को भी बिलोंग नहीं कर रहा, तो इट मींस y डज नॉट बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग के सिंपल में क्या आएगा, a इंटरसेक्शन ही। इसको मैं मान के चला था कि y जो एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर है, मैंने ये प्रूव कर दिया कि जो y एलिमेंट है वो इसके अंदर भी है, इट मींस a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, इट इज द इक्वेशन सेकंड। और मैं यहां लिख रहा हूं, मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या A union B complement is equal to किसके होगा? A complement intersection है, B complement, यही आपका answer होगा। It is the most important result, D Morgan's law। First result मैंने prove करके दिखाया है। क्या था first result? A union B का complement is equal to complement of A intersection complement of B। ये था और मैंने ये सारा prove करके दिखाया है। पहले result लिखे हैं, result से आया आपको उसके बाद prove भी करके दिखा दिया। एक एक चीज क्लियर है बेटे, सभी को पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन वन 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 स्टेप्स। यदि आपको नहीं क्लियर हो रहा ना तो इसको दोबारा रिकैप करके देखें, पॉज करके देखें कहां से कौन सी लाइन आपको समझ में नहीं आई, मैंने एक एक चीज इसके अंदर बोली था आपको, ठीक है करिए। चलिए फ्रेंड्स अब हम सेकेंड पार्ट को करते हैं, वैसे तो आप खुद कर सकते हैं इसको, ठीक है फिर भी मैं करा रहा हूं। लेट वही काम जो पिछले क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट पार्ट में सारा ये चीज वही चलेगा। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मुझे ये इसके सबसेट करो, इसको इसके सबसेट के इक्वल कर दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है, ओके ध्यान देना भैया पर, तो एक्स किसको बिलोंग नहीं करेगा, x does not belongs to a intersection b, इसको belong नहीं करेगा, हमें देखना पड़ेगा, देखा है ये लिखो रखा, x does not belongs to a intersection b, लिखो है ना, यदि ऐसा रिजल्ट होगा आप क्या लिखोगे, x does not belongs to a or x does not belongs to b, x does not belongs to a or x does not belongs to b, है कोई दिक्कत नहीं आता, कोई आगे समझ लें, x a को तो बिलोंग नहीं करता तो किसको बिलोंग करेगा, a के कॉम्प्लीमेंट को, और x b को बिलोंग नहीं करता तो किसको करेगा, b के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा, और के लिए तो मैंने क्या बताया था, यूनियन x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन a b कॉम्प्लीमेंट a, देख लो ना भाई, x जो एलिमेंट था इसका एलिमेंट था, मैंने किसके अंदर बिलोंग कर दिया, इसके अंदर x belongs to a union a b, we show that a intersection b complement is the subset of
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन है बी कॉम्प्लीमेंट इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। कोई दिक्कत किसी बच्चे को भी? क्लियर है बच्चे को? नाउ अब ये लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, y बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा? y बिलोंग्स करेगा किसको? ए कॉम्प्लीमेंट को। और y किसको बिलोंग करेगा? बी कॉम्प्लीमेंट को। करेगा नहीं करेगा? तो किसको बिलोंग नहीं करेगा? y डज नॉट बिलोंग्स टू a और y डज नॉट बिलोंग्स टू b। क्लियर बेटा? और डज नॉट बिलोंग का सिंबल आ गया तो हमें देखो x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू ऐसा हो तो उसको ऐसे लिखते हैं, तो मैं ऐसा ही लिखूंगा क्या, y does not belongs to A intersection B, y does not belongs to A intersection B, इसको belong नहीं करता तो किसको करेगा, y belongs to A intersection A, B के complement को belong करेगा। देखो y जो था वो इसके अंदर मैंने belong किया था और मैंने इसके अंदर belong करके दिखा दिया, इसके अंदर तो मैं assume करके चला हूँ, like y belongs, y belongs to A complement and B complement, मैंने इसको इसके अंदर भी यानी इसको भी बिलोंग कर रहा है ये प्रूव करके दिखा दिया। इट मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज कॉम्प्लीमेंट, इट इज द इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम यहां लिख सकते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ये इसके कॉम्प्लीमेंट, देखिए जैसे मैंने लिखा था ए इज द सबसेट ऑफ बी, B is the subset of A, तो from first and second equation A equal to B, तो similarly A intersection B complement is equal to A complement union B complement। Clear students? ये था आपका De Morgan's law, it is the most important law। ये question कराना था, ये बहुत ज़्यादा जरूरी था, ये अपना sphere में तो उसमें करना है और इसकी practice करनी है। इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ 1.6 के कुछ रिजल्ट्स लिख रहा हूं, वो भी ध्यान देना आपने, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। और भी रिजल्ट्स हैं वो भी करवाऊंगा वन बाय वन करके, बहुत ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आगे आयर सिटी में बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, तो भूलना नहीं है, ये डी मॉर्गन्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डी मॉर्गन्स लॉ। अब एप्लीकेशंस के अंदर जो आपने पढ़ा था वो पता रहा, आपने ऑपरेशंस पढ़े ऑपरेशंस के अंदर क्या पढ़ा था कि यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, उसकी प्रॉपर्टी भी बताई थी मैंने आपको। फिर बड़ा आपने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, क्या लिखेंगे? सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में भी। यहां पर सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है? ए इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, ये सिंबल है भाई सिमेट्रिक डिफरेंस, ये क्या है बोर्ड इधर ध्यान देंगे, बोर्ड इधर फिगर में ही आपको समझ में आ जाएगा सारा कि फिगर में क्या कहना चाहता है। ये यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट और ये बी सेट, इधर वाले पोर्शन को आप ए माइनस बी बोलते, याद होगा आपको, इसको आप बी माइनस ए बोलते थे। तो जब आपको ए सिमेट्रिक बी आपको फाइंड आउट करना हो, ए सिमेट्रिक बी फाइंड आउट करना हो, तो नंबर ऑफ ए माइनस बी यूनियन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, बस ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है? ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो ए माइनस बी और बी माइनस ए का
ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का कोई भी कॉमन एलिमेंट है वो इसके अंदर नहीं लिया जाएगा। ये होता सिमेट्रिक डिफरेंस। छोटी सी नॉलेज थी वो आपको देनी थी। नाउ आई एम टेकिंग एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस देखिए भाई 1.6 के क्वेश्चंस में सारी यूजफुल होंगी ये एप्लीकेशंस। सबसे पहले डिस्जॉइंट सेट की बात करते हैं। डिस्जॉइंट सेट जैसे इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि दो सेट ऐसे जिनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया। तो इन दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन नहीं है। वी कैन से ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इस केस के अंदर यूनियन आपको फाइंड आउट करना है, तो यूनियन का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। बस दिस फॉर्मूला फॉर दिस जॉइंट सेट, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। आफ्टर दैट भाई यदि दो सेट जॉइंट सेट है, सेट ए एंड सेट बी आर जॉइंट सेट, तो आपको ए यूनियन बी फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला होगा क्या, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। भाई ये कंप्लीट सेट ए ले लिया, कंप्लीट सेट बी ले लिया, और ये जो कॉमन एलिमेंट्स है ना ये उन्होंने क्या कर दिए माइनस, तो मेरा क्या बच गया ए यूनियन बी बच गया। क्लियर? सेकेंड और फॉर्मूला बना सकता हूं ए यूनियन बी का, क्या, नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए। भाई देखो ना ये वाला क्वेश्चन क्या कहलाता है, ए माइनस बी कहलाता है, ये ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है और ये बी माइनस ए कहलाता है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए बन गया फॉर्मूला। इसको समझना बस फिगर को, फिगर से ही आपको सारी बातें क्लियर होंगी। जब आपको नंबर ऑफ ए माइनस बी निकालना हो, सपोज करो टू साइड्स आपके पास और मुझे ये ए माइनस बी ही निकालना है, ये ए साइड ये बी साइड, तो इसका फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। भाई इस कंप्लीट ए सेट में से जब ये वाला कॉमन पोर्शन माइनस करता हूं तो यही तो बचेगा, इसी को कहते हैं नंबर ऑफ ए माइनस बी। सिमिलरली नंबर ऑफ बी माइनस ए का फॉर्मूला बन जाएगा क्या, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बी सेट में से कॉमन एलिमेंट्स माइनस कर दो, उसके बाद थ्री सेट्स का लिखा, ये थ्री सेट्स का सेट ए सेट बी एंड सेट सी, ये थ्री सेट्स है, तो थ्री सेट्स का फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। When in this question, in any question, you have given three sets and you have find A number of A union B union C, then use this formula. Number of A union B union C is equal to number of A plus number of B plus number of C minus number of A intersection B minus number of B intersection C minus number of C intersection A plus number of A intersection B intersection C. Clear? ये formula यूज़ होगा आपका miscellaneous exercise में, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाई जाएगी। ये फॉर्मूले होंगे 1.6 में यूज, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूले यू प्रॉपर कंप्लीट सॉल्व इन योर फेयर नोटबुक एक्सरसाइज 1.6। और जो डी मॉर्गन से लॉ का जो रिजल्ट मैंने आपको करवाया है उसको बार बार 2 times 3 times 4 times आप वॉच करेंगे इस वीडियो को, फिर अपने नोटबुक में लिख लेंगे, प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।
ओके थैंक यू सो मच।